बिना इडली राइस के बनाइए सुपर सॉफ्ट इडली। हे गाइस, आई एम रीना, वेलकम टू नोहाज मम किचन। 100% सक्सेसफुल रेसिपी है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। आज मैं बनाऊंगी घर पर ही रखे नॉर्मल राइस से इडली। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सॉफ्ट इडली बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप कच्चा राइस, ये बिल्कुल सफ़ेद कलर में होता है। 1 कप बॉइल्ड राइस, ये कुछ इस पीले कलर का गोल्डन कलर का सेला राइस होता है। दोनों कप चावल हम पानी में भिगो देंगे। इडली राइस ना होने पर आपको कच्चा चावल और बॉइल्ड राइस का मेजरमेंट लेना है। चावल को हमें अच्छे से 3-4 बार पानी से वॉश कर लेंगे। 2 कप राइस के लिए हमें 2 कप उड़द दाल भी लेनी है, ये स्प्लिट उड़द दाल है, बीच से टूटी हुई खड़ी उड़द दाल नहीं है। दाल को हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही वॉश करेंगे। चावल को मैंने 4 बार वॉश करके अच्छे से धो लिया है ताकि इसका पूरा स्टार्च इसमें से निकल जाए। दाल को मैंने सिर्फ एक बार अच्छे से वॉश कर लिया है। दाल धोने के बाद हमें 2 कप दाल में 4 कप पानी डाल करके भीगने के लिए रख देंगे। चावल और दाल को हमें 8 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है, या आप रात भर भी भिगो के रख सकते हैं। दाल और चावल को भीगे हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब हमें इसे फाइन बिल्कुल ग्राइंड करना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, कोई भी दाने नहीं बचने चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। चावल का पानी हम फेंक देंगे, लेकिन उड़द दाल का पानी हमें रखना है और उड़द दाल के पानी से ही हमें सारा बैटर पीसना है। दाल के पानी को हम अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। इस पानी से पीसने से बैटर सुपर सॉफ्ट फ्लफी होगा और अच्छा बनेगा और फर्मेंटेशन अच्छे से होगी। और अगर आपको पीसने के लिए बैटर को और थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़े तो आप रिक्वायर्ड वाटर ऐड कर सकते हैं। चलिए हम पहले चावल को ग्राइंड कर लेते हैं। चावल और दाल को हमें अलग अलग ग्राइंड करना है। चावल की क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग बैचेस में चावल को पीसेंगे। चावल में थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा पानी ना डालें, पहले थोड़ा सा पानी डाल करके हमें इसे पीसना है। चावल को हमने पहले थोड़ा पानी डाल के पीस लिया है, अब इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ फाइन पेस्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं चावल का पेस्ट एकदम स्मूथली फाइन पेस्ट बन चुका है और इसमें बिल्कुल भी दरदरापन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सिल्की हो चुका है। इसे सेम कंटेनर में जिसमें हमने चावल भिगोया था ट्रांसफ़र कर लेंगे, खाली कर लेंगे। अब हम दाल को भी 2 बैचेस में पीस लेंगे। दाल को भी हमने पीस करके एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया। दाल में हम थोड़ा ज़्यादा पानी भी ऐड करके पीस सकते हैं, उससे दाल हमारी आसानी से पिस जाती है। दाल को हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमें इसी बर्तन में दाल और चावल को मिला के फर्मेंटेशन के लिए रखना है। सेकेंड बैच भी हमारा बिल्कुल फाइन पिस चुका है। दाल का बैटर बिल्कुल पिस के फाइन हो चुका है, लेकिन एक ट्रिक है और टिप्स है, क्योंकि ये बैटर अभी लाइट और ये काफ़ी हल्का नहीं है, काफ़ी हैवी है और वेट में भी क्वांटिटी में भी कम है, तो अच्छी और फ्लफी इडली बनाने के लिए एक ट्रिक है। इस बैटर को हम अच्छे से साफ हाथों से फेंट लेंगे और थोड़ी देर 5 से 6 मिनट के लिए फेंट लेंगे, जिससे इसका बैटर बिल्कुल लाइट और इसमें बबल्स आ जाएंगे। इसको हमने हाथों से अच्छे से फेंट लिया है, देखिए इसमें बबल्स बन गए और इसका बैटर थोड़ा लाइट हो गया है। अब चावल और दाल को हम एक साथ मिक्स करेंगे। चावल दाल को मिक्स कर लेते हैं। बैटर थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे।
इसको आप हाथ से ही मिक्स करें, साफ हाथों से, इससे फर्मेंटेशन अच्छा होता है। करीब 5 मिनट तो आप इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करिए ताकि ये बिल्कुल मिंगल हो जाए। बैटर मिक्स हो चुका है, इसमें एयर बबल्स आ चुके हैं, इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है। दाल को मैंने हाथों से इसलिए फेटा था क्योंकि हम नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, इडली के बैटर के लिए हम हैवी ग्राइंडर अलग से आता है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही ये बहुत गाढ़ा है और ना ही ये बहुत रनी है। अब हम इस पेस्ट को ओवरनाइट या 8 घंटों के लिए फर्मेंटेशन होने के लिए रख देंगे, इसके बाद हम इडली बनाएंगे। बैटर को रखे हुए 8 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे ओवरनाइट रखा था। चलिए बैटर का फर्मेंटेशन कैसा हुआ है चेक कर लेते हैं। देखिए बैटर बिल्कुल क्वांटिटी में डबल हो चुका है और बिल्कुल फूल करके बर्तन के ऊपर आ चुका है। जब बैटर इस तरह से क्वांटिटी में डबल हो जाए और फूल के ऊपर आ जाए, इसका मतलब फर्मेंटेशन हो चुका है। इसे स्पैचुला से एक बार चला लेते हैं ताकि इसकी एयर निकल। देखिए ये बिल्कुल कर्ड के जैसा झाड़ा ऐसा हुआ। इसमें मैंने नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, हल्के हाथों से इसकी एयर को हम रिलीज कर देंगे और फिर क्वांटिटी के हिसाब से स्वाद अनुसार आप नमक मिला करके इडली बना सकते हैं। अगर आप पहले ही इडली में नमक मिला देंगे इसके बैटर में तो ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और इस तरह से मिक्स करने के बाद क्वांटिटी लेवल चेक करके आप नमक मिलाएं और इडली बनाएं। मैं थोड़ा सा बैटर एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। थोड़ा सा बैटर मैंने अलग निकाल लिया, इसमें मैं करीब 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और इसे मिक्स करूँगी। इसे आप हल्के हाथों से ही मिक्स करें, ओवर मिक्स बिल्कुल ही ना करें, नहीं तो आपका इडली फूलेगा नहीं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह की होनी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा पतला होगा तो इडली का बैटर बह जाएगा। चलिए इडली बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये इडली स्टैंड निकाल लिया, ये मेरे पास 24 पीसेस बनाने के लिए एक साथ ये स्टैंड है। इसे हम किसी भी ऑयल, घी या बटर से ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रीसिंग के लिए घी का यूज़ कर रही हूँ। घी और बटर से अच्छा ग्रीस होता है और इडली डीमोल्ड करने में इजी होता है। इसी तरह से सारी प्लेट्स को हम ग्रीस कर लेंगे। जब तक प्लेट्स को हम ग्रीस कर रहे हैं, पानी को बॉईल होने के रख दिया, इडली के बैटर को हम ग्रीस की हुई प्लेट में डाल लेंगे। इसे हम पूरा फुल ना भरें, लेवल तक लें, क्योंकि इडली हमारी स्टीम होने के बाद फूलेंगी भी। अभी प्लेट से मैंने पेस्ट को डाल लिया, अभी से स्टीम होने के लिए हम बर्तन में डालेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, स्टीम आना शुरू हो गया, इसमें हम स्टैंड को डालेंगे। अब हम इसे स्टीम होने के लिए 10 मिनट तक रखना है। आप घड़ी देख करके 10 मिनट तक इसे स्टीम करें और फिर चेक करें। अगर आपके पास ऐसा स्टीमर नहीं है तो आप किसी भगोने में भी या किसी कुकर में ये इडली स्टैंड रख के आप कुक कर सकते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। इडली हमारी बहुत रेडी है, फ्लफी बनी है और इसे हम टूथपिक से चेक कर लेंगे। ये क्लीन है, इसका मतलब हमारी इडली रेडी हो चुकी है। सभी इडली को हमने बाहर निकाल लिया और इसे हम थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए हवा में ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसके बाद हम डीमोल्ड करेंगे। सभी इडलियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनी है।
सभी इडली को हम डीमोल्ड कर लेंगे एक चम्मच की सहायता से। देखिए कितने आसानी से डीमोल्ड हो जा रही है और बिल्कुल क्लीन भी है। देखिए कितनी फ्लफी और बिल्कुल सेट हो गई। सारी इडली को मैंने डीमोल्ड कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो एकदम परफेक्ट इडली बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।